विद्वत प्रशंसा श्लोक क्रमांक 15 ते 28 शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभोर निर्जनाः तच्चाड्यं वसुधाधिपस्य सुदियस्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्योकुं परीक्षकैर्नमणयो यैरर्गतः पातिताः वृत्तशार्दूलविक्रीडित अन्वय शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेय आगमाः विख्याताः कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति तत् वसुधा अधिपत्य जाड्यम् सुदियः तु अर्थं विना अपि ईश्वराः यैः कुपरीक्षकैः मणयः अर्घतः पातिताः स्युः तैः कुत्स्याः न। जब ऐसे सुप्रसिद्ध कवि जिनकी वाणी को शास्त्रोक्त शब्दों ने सुंदर किया है और जिनकी विद्या शिष्यों के पदाने योग्य है किसी राजा के देश में निर्धन रहते हैं तो यह जड़ता राजा की ही है। कवि लोग तो बिना धन के ही राजा है, वे जवाहिरी कुत्सित हैं जो मणि का मूल्य बिना परीक्षा किए घटाते हैं, न कि मणि खोटे हैं जिनको वे परखते हैं। When learned men of celebrity, whose speech adorned with words polished by the shastras, grammar, etc., and whose learning is fit to be imparted to pupils, have to live in poverty in the kingdom of a prince, then that betrays the folly of the ruler, for the learned are respected even without wealth. If jewels are priced lower than their due worth, the blame attaches to the incompetent examiners and not to the jewels. Shloka Kramanka Solaha, number 16. Harturyati nagocharam kimapisham pushnati yat sarvada pyarthipya pratipadyamana manisham prapnoti vruddhim param कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्जत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते वृत्तशार्दूलविक्रीडित अन्वय यत् हर्तुः गोचरं न याति सर्वदा किमपि शं पुष्णाति अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानम् अपि परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्प अन्तेषु अपि निधनं न प्रयाति तत् विद्या आख्यम् अन्तर्धनं येषाम् अस्ति तान् प्रति हे नृपाः मानम् उच्यत कः तैः सह स्पर्धते। जिनके पास विद्यारूपी धन है, जो चोर को देख नहीं पड़ता, जो सर्वदा सुख की वृद्धि करता है, जो अर्थी को देने से परम वृद्धि को प्राप्त होता है और जिसका कल्पांत में भी नाश नहीं होता, उनसे हे राजा लोग कभी अभिमान मत करो, क्योंकि उनके समान संसार में कौन है। O kings, cast off your pride before those who possess the secret treasures of wisdom, a treasure which comes not within the scope of the thief, which always imparts indescribable happiness, which largely increases even though constantly given to those who desire it, and which is not destroyed even at the time of universal destruction. Who can compete with such persons? श्लोक क्रमांक 17 वर्ष नंबर 17
अधिगत परमार्थान पंडितान मावमौस्था स्तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान संवृणद्धि अभिनव मदरेखा श्यामगंडस्थलानां न भवन्ति विसतन्तुर्वारणं वारणानां वृत्त मालिनी अधिगत अन्वय अधिगत परम अर्थान पंडितान मा अवमौस्थाः लघु तृणम् इव लक्ष्मीः तान् न एव संवृणद्धि अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानां वारणानां विषतंतु वारणं न भवति। जिन पंडितों ने मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनका अपमान मत करो, तृण के समान तुम्हारी लघु लक्ष्मी उनको नहीं रोक सकती। जैसे नवीन मदधारा से शोभायमान श्याम मस्तक वाले हाथी को कमल की डंडी का तंतु नहीं रोक सकता। Despise not wise men who have acquired philosophical knowledge. The worthless lucre which to them is as insignificant as a blade of grass does not tie them down. The filament of a lotus stalk is no restrainer to elephants whose temples are blackened with the streaks of fresh rut. श्लोक क्रमांक 18 वर्ष नंबर 18 अंबोजिनी वन विलास निवासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नत्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। वृत्त वसंत तिलका अन्वय नितरां कुपितः विधाता हंसस्य अंबोजनी वन विलास निवासम एव हन्ति असौ तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुं न समर्थः। विधाता यदि क्रोध करे तो हंस का कमल के वनों में विहार और वहां का विलास नाश कर सकता है, परंतु उसके दूध और पानी अलग करने की प्रसिद्ध कीर्ति को विधाता भी नष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य वह है कि किसी का गुण कोई छीन नहीं सकता। Highly irritated Brahma can destroy for the swan the enjoyment of residing in beds of lotuses, but he cannot deprive him of his fame about the natural skill of separating milk from water. Shlokaranka 19 Bhushayanti Purusham Michigan Harasa Chandrojvala न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय न केयूराणि न चंद्र उज्ज्वलाः हाराः न स्नानम् न विलेपनम् न कुसुमम् न अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषं भूषयन्ति। या संस्कृता धार्यते सा एका वाणी पुरुषं समलंकरोति। भूषणानि क्षीयन्ते खलु वाक्भूषणं सततं भूषणम्। जो पुरुष की शोभा न तो केयूरस से चता बाहुभूषण बाजू वैरखी इत्यादि से होती है और न चंद्र के समान उज्ज्वल हार से न स्नान से या उपटन से न पुष्पों का श्रृंगार करने से और न वालों के संवारने से केवल संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी पुरुष को शोभित करती है और सब आभूषण अवश्य क्षय को प्राप्त होते हैं
परंतु केवल वाक भूषण ही पुरुष का सच्चा भूषण है जो कदापि नाश नहीं होता. Neither do bracelets nor necklaces brilliant like the moon, nor bathings nor anointing of perfumes, nor flowers nor decorated hair become ornaments to a man, but it is polished speech alone which adorns him. Adornments are for a fact destructible, but the one of eloquence is an everlasting ornament. Shloka Kramanka 20. Verse number 20. Vidya namanarasya rupam adhikam prachanna guptam dhanam vidya bhogakari yashasukakari vidya guru nanguru vidya bandhujano videsh gamane vidya para devata vidya rajasu pujyate nahi dhanam विद्या विहीन पशु. अन्वय. विद्या नरस्य अधिकम रूपम नाम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशस्सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विदेश गमने विद्या बंधुजना विद्या परादेवता राजसु विद्या पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः. विद्या ही मनुष्य का अधिक स्वरूप और अच्छी तरह से छिन्न हुआ धन है. विद्या ही भोग राज यश और सुख देने वाली है और गुरुओं की गुरु है. विदेश गमन में विद्या ही परम देवता है. राजाओं में विद्या ही पूज्य है, धन नहीं. जिसमें विद्या नहीं है वह पशु है. लर्निंग इंडीड इम्पार्ट्स हाई स्प्लेंडर टू अ मैन. इट इज अ वैल्यूएबल ट्रेजर व्हिच इज ऑलवेज कंसील्ड एंड वेल गार्डेड. इट इज द मीन्स ऑफ सिक्योरिंग ग्लोरी एंड ईज. इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट. इट इज अ किन्समन इन ट्रैवलिंग थ्रू फॉरिन लैंड्स एंड इज द सुप्रीम डिविनिटी. Learning is highly honored by kings and not wealth. A man without learning is but a brute. Shloka Kramanka 21, verse number 21. Kshantischet kavachena kim kimaribhi krodhosti chet dehinam jnatischet nalena kim yadisurud दिव्यौषधय किम फलम किम सर्पैर यदि दुर्जना किमदनैर विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत किम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम. अन्वय. देहिनाम क्षांति चेत कवचेन किम क्रोधः अस्ति चेत अरिभिः किम ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि सुरुद दिव्य औषधैः किम फलम यदि दुर्जनाः सर्पैः किम यदि अनवद्या विद्याधनैः किमु व्रीडा चेत भूषणैः किमु यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम. जिस पुरुष को क्षमा है उसे कवच की अपने को दुष्ट से बचाने के लिए क्या आवश्यकता है. क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता है. अर्थात शत्रु की नाई क्रोध उसका नाश करने में समर्थ है. ज्ञाति है तो अग्नि का क्या काम. अर्थात जाति के लोग अग्नि के समान भस्म करने की शक्ति रखते हैं. इष्ट मित्र समीप है तो दिव्य औषधियों का क्या प्रयोजन. दुर्जनों से संगति है तो सर्प का क्या प्रयोजन. निर्दोष विद्या है तो और धन से क्या प्रयोजन. लज्जा है अन्य भूषणों से क्या काम. और जिसकी सुंदर कविता है उसके सामने राज्य क्या है. इफ मैन हैज पेशेंस व्हाट नीड इज ही ऑफ एन आर्मर. इफ ही हैज एंगर व्हाट अदर एनिमी नीड ही फियर. If he has relatives, what need of any fire? If he has a true friend,
What use has he of medicines of potent virtue? If there be bad people about him, why should he fear serpents? If he has flawless learning, what worth are riches to him? If he has sense of shame, what other ornament does he require? If he has good poems, what pleasure can he have from a kingdom? Shloka Kramanka 22, verse number 22. Dakshinyam svajane daya parajane shathyam sudadurjane pritisadhujane nayo nrupajane vidvajane charjavam shauryam shatrujane kshama gurujane kanta jane drishtata ye chaiva purusha kalasu kushalas teshveva lokasthitihi vritta shardula vikridita. Anvay: svajane dakshinyam, parijane daya, durjane sada shathyam, sadhujane pritihi, nrupajane nayaha, vidvat janeshu arjavam, shatrujane shauryam, gurujane kshama, narijane dhurtata, evanchaye purushaha kalasu kushalaha, teshu eva lokasthitihi. इस संसार की स्थिति उन्हीं लोगों पर निर्भर है जो इन कलाओं में निपुण है. अपने कुटुंबियों पर उदारता, परिजनों पर दया, दुर्जन से सदा शठता, सज्जनों से प्रीति, राजसभा में नीति, विद्वानों से नम्रता, शत्रुजन से शूरता, बड़े लोगों से क्षमा और स्त्रियों से धूर्तता. Indulgence towards one's own people, kindness to strangers, caution with respect to the wicked, love for the good, politic behavior with kings, straightforwardness in dealings with the learned, bravery with enemies, forbearance towards elders, shrewdness with regard to women, those who are versed in these and like arts are the persons on whom rests the preservation of social order. Shloka Kramanka 23, verse number 23. Jadyam diyo harati sinchati vachi satyam manonatim dishati papam apakaroti chetak prasadayati dikshutanoti kirtim satsangati katayakin nakaroti pumsam. Vritta Vasanta Tilaka. Anvay: satsangatihi dhiyaha jadyam harati vachi satyam sinjati mana unnatim dishati papam apakaroti chetaha prasadayati dikshu kirtim tanoti sapunsam kim nakaroti kathaya. सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता अज्ञानता की नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान और उन्नति को देती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है. कहो, यह मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती? Say, what does not the company of the good do to men? It removes the dullness of the intellect, instills veracity in their speech, directs them to the loftiness of self-respect, removes sinful tendencies, purifies the mind, and spreads their fame in all directions. Shloka Kramanka 24, verse number 24. Jayanti te sukrutinaha rasasiddhaha kavishvaraha nasti yeshaṁ yashakkāye jarā marna jam bhayam. Anvay: yeshaṁ yashakkāye jarā marna jam bhayam na asti te rasasiddhāha sukrutinaha kavi ishvaraha jayanti. Vritta anushtup. Dhanya hai punyatma kavishvar jinnone raso ko siddha kiya, जो सब रसों में प्रवीण है,
जिनकी यशरूपी काया को बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है. Poets who are endowed with a mastery of their art and who are therefore perfect in the exposition of sentiments in their compositions do prosper. There is no fear of decrepitude or death to the form, body of their fame, as in the case of those skillful persons who have acquired the knowledge of the manipulation of mercury. Shloka Kramanka 25, verse number 25. Sunusuchacharitah sati priyatama swami prasadon mukaha snigdham mitrama vanchaka parijano nishkleshalesham manaha akaro ruchurastirascha vibhavo vidyavadatam mukham tushte vishtapakashtaharini harau samprapyate dehina. Vritta Shardula Vikridita. Anvai Harau Tushte Satcharitaha Sunuhu Priyatama Sati Prasadon Mukha Swami Snigdham Mitram Avanchakaha Parijanaha Nishkleshalesham Manaha Ruchiraha Akaraha Vibhavaha Sthiraha Vidyavadatam Mukham Dehina Samprapyade. जिन प्राणियों पर सब मनोरथ देने वाले स्वर्ग निवासी नारायण प्रसन्न होते हैं उनको ये सब प्राप्त होते हैं. सुंदर पुत्र, पतिव्रता स्त्री, अनुग्रह करने वाला स्वामी, प्रेमी मित्र, दीखा न देने वाला कुटुंबी, क्लेश रहित मन, सुंदर स्वरूप, स्थिर संपत्ति और विद्या से सुशोभित मुख. A well-conducted son, a devoted wife, a liberal master, a loving friend, an honest servant, a mind free from even the least anxiety, a handsome form, abiding riches, a mouth purified by learning, all these can be gained by a man when Hari, the destroyer of the troubles of the world, is pleased. Shloka Kramanka 26. Verse number 26. Pranagatanyavrutti paradanaharane sanyamas satyavakyam kale shaktya pradanam yuvati janakatha mukabhava paresham trishna sroto vibhango gurushaja vinaya sarvabhutanukampa सामान्य सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधि श्रेयसामेष पंथाः. अन्वय प्राण आघातात् निवृत्ति परदनहरणे संयम सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम परेषां युवति जनकथा मूकभावः तृष्णा स्रोतस विभंगः गुरुषु विनयः च सर्वभूत अनुकंपा एषः श्रेयसां पन्थाः सर्वशास्त्रेषु सामान्यम् अनुपहत विधिः. प्राणहत्या से निवृत्त रहना, पराये के धनहरण से संयम रखना, सच बोलना, समय पर यथाशक्ति दान देना, दूसरों की स्त्री की कथा में चुप रहना, तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, बड़े लोगों से नम्रता करना, प्राणी मात्र पर दया करना, ये ही कल्याणकारक मार्ग सर्वशास्त्रों में सामान्य है, जिनकी विधि कदापि भंग नहीं होती. Abstinence from destroying life, restraint in depriving others of their wealth, speaking the truth, timely liberality according to one's power, not even gossiping about the young ladies of others, checking the stream of covetousness, reverence for elders, compassion towards all creatures. This is the universal path to happiness, violating no rules or ordinances of any shastras. Vritta Sragadhara. Shloka Kramanka 27, verse number 27. Prarabhyate na khalu vighnavayena nichaihi
प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिपान्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति. अन्वय नीचैः विघ्नभयेन खलु न प्रारभ्यते मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति उत्तमजनाः पुनः पुनरपि विघ्नैः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धं न परित्यजन्ति. वृत्त वसंत तिलका. नीच पुरुष विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते. मध्यम जन आरंभ करते हैं पर विघ्न होते ही छोड़ देते हैं. परंतु उत्तम जन वारंवार विघ्न होने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को बिना पूरा किए नहीं छोड़ते. वीक माइंडेड मैन डू नॉट बिगिन एनीथिंग एट ऑल through fear of difficulties. Mediocres begin at work, but abandon it no sooner obstacles come in their way. But strong-minded persons, though repeatedly hindered by difficulties, do not give up what they have once begun. Shloka Kramanka 28, verse number 28. Asanto nabhyarthya surudapitnayacha krushadhanaha प्रियान्याया वृत्तिर मलिनमसुभंगे प्यसुकरम विपद्युच्चैष्ठेयं पदमनुविदेयं च महताम सताम केनोद्दिष्टं विषममसिधारा व्रतमिदं. वृत्त शिखरिणी. अन्वय असंतः न अभ्यर्थ्याः कृशदनः सुरुत अपि न याच्यः असुकरम मलिनम असुम्बंगे अपि न्याया प्रिया वृत्ति विपदि उच्चैः पदं स्थेयं महतांच अनुविधेयं सतां इदं विषमं असिधारा व्रतं केन उद्दिष्टं. न्याययुक्त प्रिय वृत्ति प्राण जाने पर भी पाप कर्म में न प्रवृत्त होना दुष्टों से अथवा अल्प धन वाले मित्र से भी कुछ याचना न करना विपद में उच्च पद से रहना और श्रेष्ठ योगों के आचरण को धारण किए रहना सज्जनों को तरवार की धार से भी कठोर व्रत किसने सिखाया है. इति विद्वत प्रशंसा. नॉट सप्लिकेटिंग इविल मैन not begging even of a noble-minded person when he is in reduced circumstances, regard for a just mode of behavior, incapability of putting one's hand to a dirty work even at the risk of life, living in a dignified manner in misfortune, and following the footsteps of the great, by whom has this course, difficult as the walking on the edge of a sword, been advised to the good? Thus ends the chapter on Shloka Kramanka 15-28, narrated by Sunder Hattangadi, Michigan, USA. Kathakathankar Sunder Hattangadi, Uttar America.